हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड ग्लैमर। सो गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेकअप में सबसे पहले क्या आता है। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को जो है वो मेकअप करना तो आता है अच्छे से, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि मेकअप में सबसे पहले आएगा क्या। सो आज मैं आपके यही डाउट क्लियर करने जा रही हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आता है हमारा कि हम स्किन केयर करें। अगर आप स्किन केयर करेंगे तो आपके जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, जिससे कि आपका मेकअप जो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाता है। सो आप अपने मेकअप से पहले स्किन केयर ज़रूर कीजिए। सो आप स्किन केयर करना कैसे है? तो स्किन केयर में सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है, फिर आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि जितने भी दर्द और जो ऑयल है वो आपके फेस से जो है निकल जाए, और थर्ड में आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाइए। सो मेकअप लगाने से पहले आप या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर आप सीरम, इन दोनों चीज़ों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। इनको लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और हाइड्रेटेड हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगा, जिससे कि आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा आपके फेस पे। सो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मुझे रिकमेंड करना होगा तो मैं आपको सीरम रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी एंड ग्लोई फेस देता है आपको, जो कि बहुत अच्छा अगर आपको ड्यूई फेस चाहिए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये। सो आप जब भी मेकअप करें आप मॉइस्चराइज़र या फिर सीरम, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर लगाइए। देन स्किन केयर करने के बाद आपको यूज़ करना है प्राइमर। अब प्राइमर करता क्या है? प्राइमर आपके जो पोर्स होते हैं, जिनके लार्ज पोर्स होते हैं जिनके फेस पे, उनको फिल कर देता है, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है वो आपके पोर्स में बैठता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगता है। एंड साथ ही आपके फेस एंड आपके मेकअप के बीच में एक बैरियर का काम करता है, जिससे कि जो मेकअप में जितने भी केमिकल्स है वो आपके फेस को इरिटेट नहीं करते हैं। एंड साथ में ये आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड इसके ऊपर जो मेकअप है वो बहुत ईजिली एंड स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। सो अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो आप प्राइमर ज़रूर रखिए अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं फाउंडेशन की। एंड फाउंडेशन में आपको अपना करेक्ट शेड पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। सो आपको अपना परफेक्ट शेड पता होना चाहिए, वरना आप जो मार्केट है उसमें भी जाके खरीद सकते हैं, वो आपको अपना परफेक्ट शेड बता देंगे। फाउंडेशन के लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं और एक आप ऐसा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है वर्क करने के लिए एंड ये बहुत फ्लॉलेस फेस भी देता है आपको। मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब आपका प्राइमर जो है, अपने प्राइमर को आप 5 मिनट या फिर 2-3 मिनट जो है सेट करने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाइए, जिससे आपका प्राइमर जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा आपके फेस पे एंड वो बहुत ही ईजिली आपका जो फाउंडेशन है उस पर ग्लाइड करेगा। सो 4 नंबर पे आता है हमारा कंसीलर। एंड कंसीलर क्या करता है कि आपके जो जितने भी डार्क सर्कल्स होते हैं एंड पिंपल मार्क्स होते हैं, एक्ने स्पॉट्स होते हैं, उन सबको हाइड करने का काम करता है। इसमें आप 2 टाइप के ले सकते हैं। एक तो आप अपने जो फाउंडेशन है उससे एक शेड लाइट ले सकते हैं, जिससे आपके अंडर आईज एंड माउथ एरिया जो है वो हाईलाइट होगा, दैट मीन्स कि ब्राइट होगा। सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप अपने ही शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपका फाउंडेशन में शेड है वही शेड ले सकते हैं, जो कि आपके पिंपल और मार्क्स को जो है वो हाइड कर देगा अच्छे से। सो नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर, और आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है एंड इनका जो प्राइस है वो भी कम रहता है। सो ये काम क्या करता है, ये आपके पूरे फेस को अच्छे से सेट करता है। मान लीजिए आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर आप इससे अपने फाउंडेशन को और कंसीलर को सेट करते हैं तो पूरे दिन भर सेट रहता है, वो बिल्कुल भी केकी नहीं होता है। एंड प्लस आप अपने टचअप करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपके फाउंडेशन को एंड कंसीलर को थ्रू आउट द डे आपके फेस पे अच्छे से सेट रखेगा। इस बात करते हैं ब्लश की। ब्लश आई गेस मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, बट ये नहीं पता कि ब्लश लगाते कैसे हैं। आप या फिर ऐसा ब्रश ले सकते हैं जो कि टिप्ड हो, या फिर आप ले सकते हैं इस टाइप का ब्रश जो कि स्लाइट हो। ये जो ब्रश होता है वो सही होता है, क्योंकि ये आपके फेस को जो है अच्छा सा लिफ्ट देता है। ब्रश काम करता है आपके फेस को एक अच्छा हेल्दी ग्लोई
रोजी पिंक कलर देने में, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी लगता है एंड ब्यूटीफुल लगता है। तो ब्रॉन्जर में क्या होता है, ये जैसे आपका पूरा फेस जो है फाउंडेशन लाने के बाद फ्लैट दिखता है, तो इसमें वार्म्थ प्रोवाइड करता है आपके फेस पे। ये आपके फेस को थोड़ा बहुत चिजल्ड दिखाने के काम करता है, जैसे आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा है तो उसको भी थोड़ा कट ऑफ करने के काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे इस पे थोड़ा सा ये ले लिया, एंड आप डस्ट ऑफ एक्सेस जो है डस्ट ऑफ कर दीजिए, एंड उसके बाद आप इसको भी इस एंगल में आप इसको बैकवर्ड मोशन में ले जाइए। सो ये आपके फेस को एक वार्म्थ प्रोवाइड करेगा, आप देख सकते हैं। सो ब्रॉन्जर जो है वो आपके फेस पे वार्म्थ प्रोवाइड करने के काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइलाइटर की। सो ये रहा हाइलाइटर। सो हाइलाइटर काम आता है आपके फेस को हाईलाइट करने के, जैसे इसका नाम बता रहा है हाइलाइटर। सो ये आपके फेस को हाईलाइट करने के काम करता है, आपके फेस में एक अच्छा सा शीन देता है एंड ग्लोई बनाता है आपके फेस को, जैसे कि आपका फेस बहुत ज्यादा रेडियंट और डल बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो हाइलाइटर आपके फेस पे ग्लो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब फेस तो पूरा कंप्लीट हो गया है, आता है हमारा आईब्रो पेंसिल, देन आता है हमारा मस्कारा और मस्कारा, देन आता है हमारा आईलाइनर, देन आप आई शेडो यूज कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप काजल यूज कर सकते हैं, उसके बाद लिपस्टिक, एंड लास्ट आता है हमारे पास सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे जो है आपके पूरे मेकअप को मैस्ट कर देता है, मतलब कि हर चीज अलग अलग नहीं लगती है कि आपने ब्लश अलग लगाया है, आपने फाउंडेशन अलग लगाया है, ऐसे नहीं लगता है। जैसे आपके आप देख सकते हैं ब्लश, हाइलाइटर एंड जो ब्रॉन्जर है वो बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा है। तो ये वही काम करता है, पूरा मैस्ट करके एक ब्यूटीफुल सा ग्लो दे देता है आपके फेस में। सो आप दो टाइप के ले सकते हैं, एक ड्यूई होता है इसमें और एक मैट होता है, तो आप जो भी आपके प्रेफरेंस में होगा ड्यूई मैट तो आप वो ले सकते हैं। एंड ये आपके फेस मेकअप को जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो अगर आप इसको अपने फेस पे से स्प्रे बॉटल में आता है ये, एंड आपको शेक करना है पहले इसको अच्छे से, एंड उसके बाद आपको कुछ दूरी पे रख के इसको स्प्रे करना है ऐसे, एंड उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको जो है ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। बहुत ईजिली ये ड्राई हो जाता है एंड आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ज़्यादा ड्यूई एंड बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हों कि आपको पहले क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।